देखिए, आपने डोसा बनते हुए तो जरूर देखा होगा। जब डोसा बनता है तो डोसा बनाने से पहले डोसा बनाने वाला उस तवे पर पानी का छिड़काव करता है। वैसे ही आज गुरुग्राम की धरती को पर देखने को मिला। गुरुग्राम की धरती भीषण गर्मी से तप रही थी, मानो तवे की तरह तप रही थी, और किसी ने उस पर पानी का छिड़काव कर दिया। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में भीषण गर्मी के बाद आज दोपहर में बारिश हुई, मानो किसी ने तवे पर पानी छिड़का दिया हो। ऐसे में लगातार जो है, इस वक्त मैं गुरुग्राम के बसई रोड इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी अभी भी लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को जरूर इससे राहत मिली है। ऐसे में मौसम विभाग ने आपको बता दें कि 1 जून और 2 जून को बारिश का अनुमान लगाया था, जिसके बाद आज जो है बारिश जरूर हुई। हालांकि रुक रुक कर ये बारिश जरूर हो रही है, लेकिन गुरुग्राम वासियों के लिए राहत जरूर लेकर आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग यह भी अनुमान लगा रहा है कि आने वाले मानसून में जब बारिश होगी तो बारिश भी अपने तमाम रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि गर्मी ने इन 15 दिनों में 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोजाना गर्मी अपने नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही थी। ऐसे में ये जो बारिश हुई है, जरूर रात भर भरी सांस जरूर गुरुग्राम वासियों ने ली है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि सूरज अपने मानो कि अपने उफान पर ही है और लगातार धरती पर उबाल छोड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बाद जो है मौसम विभाग लगातार ये लोगों से ये कह रहा है कि आने वाले मानसून में जब बारिश होगी तो बारिश भी अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि जिला विभाग इस बारिश से निपटने के लिए कितना मुस्तैद नजर आता है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम वासियों को इस बारिश से राहत जरूर मिली है। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए हिमांशु नायक।